हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। एक माँ होती है बच्चों में समझ गए ठीक है। तो यार क्या क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे, जहाँ पे भी होंगे अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होंगे, नहीं भी कर रहे मसला प्रॉब्लम चल रही है, डोंट वरी, अल्लाह सब ठीक कर देंगे। आपको भैया आपके लिए स्पेशल दुआ करेगा नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है। तो इस वक्त यार आपका भाई ये सर अपनी मार्केट में आया हुआ है। आपका भाई इसको अपनी, ये भाई हैं हमारे बड़े प्यारे, आपका भाई इसको अपनी मार्केट क्यों फरमा रहा है सर? किसी ज़माने में ये देखें, ये किसी ज़माने में ये आपके भाई की दुकान थी, ठीक है। फिलहाल अभी भी आपके भाई की ही है, वैसे ज़रा ताले शाले मारे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो यार कोई माफ़ी तलाफ़ी नहीं आपका भाई का आ रहा, क्योंकि आप लोगों को पता है आपके भाई का डेली का काम है, हर दफ़ा आपको बोलता हूँ आज व्लॉग अपलोड होगा कल होगा, इसलिए कोई माफ़ी नहीं मैं मांग रहा आपसे, ठीक है, खुद ही समझ जाए, माफ़ कर देना बस। बहुत तेज हो रहा साल ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, एक हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर भाई थे, उन्होंने हमें ये देखें इधर आपको साइड पर कहीं पर यहाँ शो हो जाएगा स्क्रीन, उन्होंने हमें क्या बोला था। तो यार भाई आपसे माजरत, क्योंकि आपकी वीडियो आपका भाई लेट अपलोड कर रहा है, बहरहाल आप उस सलंसर की आवाज़ सुन लें, वो उस बाइक को तो नहीं लगा, वो बाइक फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो दूसरी बाइक को मैंने लगा के तो स्पेशल आपके लिए वो वीडियो शूट की थी, ये चल रही है सुन लें। ठीक है, सुन लिया, ओके, अब आ जाए टू द पॉइंट बात करते हैं। तो सर टू द पॉइंट बात ये है कि आज वीडियो थोड़ी अजीब यार, लाइक आपका भाई फ्री बैठा हुआ था घर, जेन में कुछ आ नहीं रहा था, गाड़ी का काम आपको पता है, आपका भाई सारा पेंट शेंट लेके आया हुआ है, ठीक है, जस्ट इंतज़ार है तो किसका है, हमारे पेंटर साहब का, वो फ्री नहीं है आजकल, यू नो दिन ज़रा उस तरह के चल रहे हैं, वो फ्री नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने हमसे थोड़ी सी वो की हुई है रिक्वेस्ट कि भाई मुझे थोड़ा टाइम दें, तो पेंट वैसे ही घर पड़ा हुआ है। तो आपके भाई के पास ना फिर जेन में ख्याल आया कि मेरे पास एक यूट्यूब चैनल आया, तो चलो मैं वहाँ पे कुछ करता हूँ। तो आपके भाई ने ये सोचा है सर आज हम ना लाइक देखते हैं मार्वल का सबको पता होगा, ठीक है, नहीं पता तो सर मैं बता देता हूँ, ये एक एनिमेटेड नहीं बोल सकते, फिक्शन टाइप मूवी है, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स होते हैं लाइक, ठीक है, हर बंदे के पास अपनी अपनी पावर होती है। आज हम देखते हैं, गाड़ियों वाले बंदे हैं यार, हम गाड़ियों से रिलेटेड ही सर्च करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि अगर मार्वल के करेक्टर्स के पास गाड़ियाँ होती तो किस तरह की होती, ठीक है, वो आपके भाई ने सर्च हैवी वाली मारी हुई है, ज़रा आपको भी अब सब शो करवाते हैं, ठीक है। मार्वल के करेक्टर्स के पास अगर गाड़ियाँ होती तो वो किस तरह की होती, तो चलें शुरू करते हैं। तो यार मार्वल सीरीज में जो हमारी पहली करेक्टर हैं ये हैं कैरल डेनवर, ठीक है, और इनके पास सुपर पावर ये है सर कि ये बहुत ज़्यादा हाई स्पीडेड होती हैं, ठीक है। तो अगर मेरे नज़दीक इनके पास सुपर कार होती तो वो कुछ इस तरह की होती, चेक करें। और
ओके, तो करेक्टर नंबर टू मार्वल सीरीज़ में हमारे पास हैं जनाब स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन का आप सबको ही पता है, इनके पास सुपर पावर नहीं है, ये जस्ट इन्होंने लाइक एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाया हुआ था। तो मेरे नज़दीक अगर इनके पास गाड़ी होती तो वो कुछ इस तरह की होती। तो जनाब करेक्टर नंबर थ्री पे आ जाएं, तो करेक्टर नंबर थ्री हमारे पास है मार्वल सीरीज़ में आयरन मैन। इनके पास भी सुपर पावर कोई नहीं है, जस्ट ये भी एक साइंटिफिक हैं। और इनकी गाड़ी चेक करें ज़रा आप। तो यार करेक्टर नंबर फोर पे आ जाए, तो द हल्क। तो इनके पास सुपर पावर क्या है जनाब, ये इंसान से जानवर बन जाते हैं, ठीक है, और इनका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये इनकी सुपर पावर है कि ये इंसान से जानवर बनते हैं, ठीक है। तो मेरे नज़दीक अगर इनके पास मार्वल में कोई सुपर कार होती तो वो जनाब मॉन्स्टर टाइप होती। ज़रा चेक करें। जी तो सर, मार्वल सीरीज़ के नेक्स्ट करेक्टर हैं हमारे पास द थोर, ठीक है। और मिस्टर थोर के पास सुपर पावर क्या है कि इनके पास एक बहुत ही हैवी थोड़ा, और इनकी गाड़ी ज़रा चेक करें आप। हाँ जी, तो सर नेक्स्ट करेक्टर पे आ जाएं, तो मार्वल सीरीज़ के द मशहूर कैप्टन अमेरिका, ठीक है। इनके पास सुपर पावर सर क्या है कि इनके पास ये शील्ड होती है कुछ इस तरह की, ठीक है, बस यही इनकी पावर है। बाकी गाड़ी चेक करें इनकी आप। जी तो सर नेक्स्ट करेक्टर पे आ जाए, तो डॉक्टर स्ट्रेंज। और इनकी पावर भी इनके नाम की तरह स्ट्रेंज है, ठीक है। इनकी पावर सर क्या है कि ये जनाब टाइम के साथ कोई हैंकी पैंकी कर सकते हैं, ठीक है, ये इनकी पावर है। बाकी इनकी गाड़ी चेक करें जनाब, पेशे नज़र है। ओके, तो यार नेक्स्ट करेक्टर पे आ जाएं, तो थानोस। जैसा इनका नाम अजीब सा है वैसी इनकी शक्ल भी अजीब सी है। और ये दरिंदा शक्ल वाले इंसान की पावर क्या है सर, तो इनकी पावर है कि इनके पास इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। बाकी इनकी गाड़ी भी इनके जैसी है, चेक करें। ओके, तो यार नेक्स्ट करेक्टर पे आ जाएं, ब्लैक पैंथर। नाम से ही जाहिर है ये सर एक पैंथर बन जाता है, ठीक है। सूट है इसके पास साइंटिफिकली मेड। बाकी इनकी गाड़ी भी चेक करें इनके जैसी ब्लैक ब्लैक। ओके, तो यार लास्ट करेक्टर हैं हमारे वन ऑफ द माई मोस्ट फेवरेट घोस्ट राइडर, ठीक है। गाड़ी इनकी आप चेक करें ज़रा, गाड़ी भी इनके जैसी है।
ठीक है, तो यार देख लिया सब, ठीक है, कैसा लगा आपको? तो अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में भाई को इससे आगाह करें, ठीक है। व्लॉग्स भी थोड़े से लाइक डिफरेंट था आज, जैसे मीम्स यूज़ किए हुए थे और थोड़ा सा ये स्टोरी भी डिफरेंट थी, जैसे लाइक हम शुरू हुए थे उससे थोड़ी सी हटके थी, पर कंटेंट से रिलेटेड ही थी। और आप लोग क्या देख रहे हो भाई की लोकेशन चेंज? यार ये ना लाइक ये हमारे घर के पास में ही है, ये है बाग, ठीक है। तो सम हाउ जब आपका भाई थोड़ा सा स्ट्रेस्ड होता है या फिर सुकून की तलाश में होता है ना, तो फिर इधर आ जाता हूँ मैं। यहाँ पे ना मतलब बहुत रिलैक्स माहौल है, ठंडी हवा चल रही होती है और शोर नहीं होता, सबसे मेन बात ये है। जब मैं कोई स्ट्रेस्ड होता हूँ ना थोड़ा सा, ठीक है, फिर मैं इधर आ जाता हूँ। तो बस यार इस व्लॉग को फिर करते हैं यहीं पे ख़त्म, ये था आज का व्लॉग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद नहीं भी आया तो किस तरह से आपको पसंद आएगा कमेंट बॉक्स में भाई को लाजमी आगाह करें, ठीक है। तो इस व्लॉग को फिर करते हैं सर यहीं पे ख़त्म, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और शानदार वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे नहीं ज़्यादा सर, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और शानदार वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक और शानदार वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अंटिल देन बाई।